उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जिस प्रकार एक घर बनाने के लिए एक योजना का होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार जिंदगी को बनाने के लिए एक योजना, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। वह लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट और लिखित रूप में होते हैं, वह कम समय में ही कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आत्मविश्वास और पूरी लगन के साथ बनाया गया लक्ष्य आपको वहां पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि त्रासदी तो इस बात की है कि आपके पास पहुंचने का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं था। समय सीमा के साथ पूरा करने के लिए देखा गया सपना ही लक्ष्य है। आपके लक्ष्य पंखों की तरह है, यदि आपको उड़ना है तो आपको पंख फैलाने होंगे। यदि आपका खुद का कोई लक्ष्य या योजना नहीं है तो आप किसी दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे। जरा सोचिए उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाया होगा, ज्यादा कुछ नहीं। यदि आपने लक्ष्य बनाया और आप उसके प्रति उत्साहित नहीं है तो एक दूसरा लक्ष्य बनाएं और उसे तब तक न छोड़ें जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित हों जिनका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिन्हें पूरा करने की चाहत हो, और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिनको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी में जीतते हैं। बिना लक्ष्य के आप उस चाबी वाले खिलौने की तरह, जो चाबी भरेगा आपको चलाएगा। फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको लक्ष्य का पता न हो। जब तक आपका लक्ष्य ना हो तो आप जिंदगी के मैदान में समय इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं करा पाएंगे। हमारे जीवन का महत्व तब तक हमें नहीं पता चलता जब तक हम किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित ना करें। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप संघर्ष और असफलताओं से घबराते नहीं है, लेकिन जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तब आप ऐसा करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य विश्वास देता है जबकि अस्पष्ट लक्ष्य उलझन देता है। जिसको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है वो शुरू करने से पहले ही आधी सफलता प्राप्त कर लेता है। बिना लक्ष्य का जीवन उस व्यक्ति की तरह है जो गाड़ी में बैठ तो गया है पर उसे पहुंचना कहा है या नहीं पता। लक्ष्य के बारे में जरूरी चीज यह है कि लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो यह लक्ष्य बदलने का नहीं बल्कि अपनी सोच को नई दिशा देने का है।